हे डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट थ्योरी। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले जाके उसको देखिए। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे समझ में आएंगे। और इस लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस टू टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, टू टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन दिया है, लीनियर मैग्निफिकेशन टू टाइम्स, कॉनकेव मिरर टू टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बनाता है। एंड रियल इमेज, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज है तो इसका मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा, इट मीन्स -2 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट मिरर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है और ये हमेशा लेफ्ट में होता है, सो इट्स साइन कन्वेंशन विल बी -10 सेंटीमीटर। इट इज आस्किंग फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, इट मीन्स वी इज इक्वल टू इट इज आस्किंग। सो लेट्स सॉल्व। वी नो लीनियर मैग्निफिकेशन, एम इज इक्वल टू -V/U, सो एम इज इक्वल टू -2, वी हैव टू फाइंड आउट U इज -10 सेंटीमीटर, सो V विल बी minus it will be -10 × 2, it means 20 centimeter. So the position of image will be at 20 centimeter in front of the mirror. Now our second question is find the focal length of a convex mirror of radius of curvature 1 meter. हमने बात किया था कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस स्फेयर का रेडियस होता है जिससे ये बना है, इट मीन्स दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ हमसे पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा इसका, सो फोकल लेंथ विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, इट इज 1 meter, सो फोकल लेंथ is equal to radius of curvature by 2, so it will be 1 meter by 2, it means 0.5 meter. This is the focal length of convex mirror. Now next question is an object of height 1.2 meter is placed before a concave mirror of focal length 20 centimeter so that a real image is formed at a distance of 60 centimeter from it. Find the position of object. First of all हम लोग note करेंगे what is given. An object of height of the object दिया है 1.2 meter, focal length दिया है 20 centimeter, because concave mirror का focal length negative होता है, so it will be minus. Real image is formed at a distance of 60 centimeter. इमेज डिस्टेंस दिया है 60 सेंटीमीटर, रियल इमेज बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनता है, सो इसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/F = 1/V + 1/U, पुट ऑल द वैल्यूज, 1/F = -20 cm, V = -60 cm +1/U, सो 1/60 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, -1/20 = 1/U, और एलसीएम ले लेते हैं 61 3 times आएगा = 1/U, और -2/60 = 1/U, सो U = -60/2 और U = -30 cm। अपने आंसर को हम लोग इस तरह से भी मैच कर सकते हैं, बिकॉज इसमें
कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका डबल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, इट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर पे होगा। अब इमेज बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे, इट मीन्स बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 और 40 के बीच में आएगा, जो कि 30 सेंटीमीटर है। आंसर इज करेक्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, दिस इज इट्स फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दोनों नेगेटिव होंगे। क्वेश्चन इज आस्किंग एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो स्क्रीन को कितनी डिस्टेंस पे रखना चाहिए जिससे कि उस पर इमेज बने। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी वहीं पे हमें स्क्रीन रखना चाहिए टू गेट द शार्प इमेज। इट मीन्स हमें कैलकुलेट करना होगा इमेज डिस्टेंस। सो जो गिवेन है उसको लिख देते हैं पहले। गिवेन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट H1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर नेगेटिव होता है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस और साइज ऑफ इमेज H2। सो पहले इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। वी नो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U फ्रॉम मिरर फार्मूला। F की वैल्यू दे रखा है माइनस 15 सेंटीमीटर, V हमको कैलकुलेट करना है, U की वैल्यू है माइनस 20 सेंटीमीटर। सो 1/V विल बी इक्वल टू 1/20 को उधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा, माइनस 1/15, 60 विल बी LCM 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1/V इक्वल टू माइनस 1/60। सो वी इक्वल टू माइनस 60। सो इमेज मिरर से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा। वैसे भी हम देख सकते हैं फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है, इट मीन्स फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज जब भी बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर और कर्वेचर होगा 15 टू 30, इट मीन्स 30 पर। सो इसके बाहर ही बनेगा, आंसर हमारा 30 से अधिक ही आना चाहिए एंड इट इज़ माइनस 60, सो इट इज़ करेक्ट। सेकेंड पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। वी नो लीनियर मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू H2/H1 इज इक्वल टू माइनस V/U और H2 इज इक्वल टू माइनस V/U इंटू H1। पुट ऑल द वैल्यूज, V इज माइनस 60, U इज माइनस 20, H1 इज 5 सेंटीमीटर। सो 5 4 जा एंड 4 1 जा 4 5 जा, सो H2 विल बी माइनस 15 सेंटीमीटर। इट इज नेगेटिव, सो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्मड बाय ए मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। इफ द इमेज इज
at a distance of 30 cm from the mirror, where is the object placed? It means object distance आपसे पूछ रहा है, image distance दे रखा है. Second part है question का, find the position of image if the object is now moved 20 cm towards the mirror. What is the nature of image obtained? Justify your answer with the help of ray diagram. Okay, इसमें दो question है. पहले step में चलते हम लोग. Given is magnification minus 1. Magnification is equal to, we know, h2 by h1. It means height of image upon height of object. Magnification minus 1 तभी होगा जब image की height object की height के equal हो और image inverted हो. अब image की height object की height के equal एक ही case में होती है जब object को concave mirror के center of curvature पे रखते हैं. Means object is placed on the center of curvature of concave mirror. Now image distance is 30 cm and magnification is minus 1, so we can write magnification is equal to h2 by h1 is equal to minus v by u, or minus 1 minus 30 cm by u, or u is equal to minus 30 cm. So इस केस में ray diagram इस तरह से होगा, object will be placed at center of curvature, से एक light जाएगी principal axis के parallel, so it will pass from the focus. Second ray will pass from the focus, so it will be parallel to the principal axis. ये दोनों reflected rays जिस point पे मिलेंगी वहाँ पे image बनेगा and it will be sharp at the center of curvature. So इस केस में image distance object distance के equal होगा. So जब object को center of curvature पे रखेंगे तभी image distance object distance equal होंगे आपस में and that will be 30 cm. Now object is moved towards 20 cm and then what is the nature of image? अब object को 20 cm mirror की ओर move कर दिया गया था. पहले था ये 30 cm पे और 20 cm अब mirror की ओर ले जाने पे अब object distance हो जाएगा 10 cm. So it will be minus 10 cm. Now इससे पहले केस में हमने देखा था object distance, image distance दोनों इक्वल तभी होते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं. इट मींस ये मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के भी इक्वल होगा, बिकॉज इमेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. सो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑल विल बी सेम. रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें पता है तो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेंगे r/2, so it will be minus 15 cm. Now object distance पता है, focal length पता है, तो mirror formula use करके हम लोग निकाल सकते हैं image distance. 1/f is equal to 1/v plus 1/u, so it will be 1/f 15, 1/u 10. So 1/v is equal to 1/10 minus 1/15, so it will be 30, 3 minus 2, 1/30. So v will be equal to 30 cm. Now v is positive, so image will be behind the mirror. Virtual and इरेक्ट, इसे हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं. सपोज ये कॉनकेव मिरर है, इसके फोकस के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया है O-, इससे एक लाइट जाती है पैरेलल, सो इट विल पास फ्रॉम द फोकस. दूसरी लाइट जाती है पोल पे, सो इतना एंगल बनाते हुए
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये दोनों लाइट के बीच का डिस्टेंस अब इंक्रीज हो रहा है, तो आगे तो बढ़ने मिलने वाले नहीं है, सो इनको पीछे बढ़ाते हैं और इस केस में इनका इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल होगा। सो दिस इज द इमेज। एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन दिया था -1। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला H2/H1 होता है और इसका रेशियो 1 तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट साइज विल बी इक्वल टू द इमेज साइज, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों इक्वल होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज के हाइट के इक्वल तब होती है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग रख दें ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। सो इमेज डिस्टेंस हमको दे रखा था -30 सेंटीमीटर और यहाँ से हमने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को यूज़ किया और यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये दोनों 30 सेंटीमीटर ही होंगे। अब सेकेंड पार्ट में ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर ले जाना था। सो अब ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस हो जाएगी 10, बिकॉज 30 पे था, 20 और आगे ले जाने पे अब पोल से जो डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा 10। और इससे पहले हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकाल लिया था और वही इक्वल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के। सो वहाँ से हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2, सो इट विल बी -30/2, -15 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस, सो मिरर फॉर्मूला यूज़ किया हमने, यहाँ से इमेज डिस्टेंस निकाल ली, ये पॉजिटिव है, पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंसेस पॉजिटिव आती हैं, इट मीन्स इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको जस्टिफाई करना था विद द रे डायग्राम, सो यहाँ पे रे डायग्राम है जिससे हम लोग अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन ए बस हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3.5 मीटर। इट इज़ पॉजिटिव बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है। इफ द ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट ए कार एट 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ कार इज 10 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। वी हैव टू फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज H2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पोजिशन ऑफ इमेज। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो यहां से हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं R/2, इट इज 3.5/2 और 1.75 मीटर। नाउ यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, पुट ऑल द वैल्यूज। 1/F इज इक्वल टू 3.5/2, कैलकुलेशन के लिए हमने ये वैल्यू रख दिया है, इजी हो जाएगा, 1/-10, और इट इज 20/35, पॉइंट हटा दिया, 2 को ऊपर भेज दिया, सो 1/V -1/10, और 1/V इज इक्वल टू 20/35 + 1/10। एलसीएम ले लेंगे 70, इट इज 2 times 20, 2 = 40 + 7 times, 47/70, 1/V is equal to, or V is equal to 1.5 meter. So, image will be formed at 1.5 meter from the mirror. And will appear behind the mirror. Now, second one is we have to find the size and nature of image. We know linear magnification M is equal to H2/H1 is equal to -V/U. Putting all the values, H2/H1 is equal to -V is 1.5. U is -10.
is equal to 0.15 or H2 is equal to 0.15 H1. Because magnification is positive, so the size of image will be 0.15 times of actual size of car. And because magnification is positive, so image will be virtual and erect. That's all for today. Thank you.